Tennis legend Rafael Nadal has confirmed that he will not play French Open 2023, the competition he has won a whopping 14 times. He made the announcement through a press conference and also indicated that 2024 could be his last year on tour. राफा के अनाउंसमेंट ने टेनिस के फैंस को इमोशनल कर दिया, लेकिन उनके फैंस समझते हैं कि नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से ही इंजरी से परेशान है। राफा सस्टेंड अ हिप इंजरी ड्यूरिंग हिज सेकंड राउंड लॉस टू यूएसएज मैकेंजी मैकडोनल्ड एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। माय इंजरी डिड नॉट प्रोग्रेस एज इट शुड हैव। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्ले एट द रोलैंड गैरोस। I will not be in Roland Garros and I do not intend to continue playing in the following months. I need to put a full stop to what my sports career is. I am going to regenerate my body and when I feel ready, I will start again. It could be an objective to try to play Davis Cup and prepare for 2024, which will be the last year of my sports career. नडाल का फ्रेंच ओपन 2023 ना खेलना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंजरी की वजह से उन्होंने जनवरी से लेकर एक भी एटीपी टूर्नामेंट नहीं खेला, जिसके कारण 2005 के बाद पहली बार वो टॉप 10 से बाहर भी हो गए। राफा इज ऑल्सो सेट टू ड्रॉप आउट ऑफ द टॉप 100 ऑफ द एटीपी रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2003 फॉलोइंग हिज विड्रॉल फ्रॉम द फ्रेंच ओपन। नडाल अपने हार्ड चार्जिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और शायद इसी स्टाइल की वजह से उनका करियर इंजरी से गिरा रहा है, लेकिन वो इंजरी से वापस आते रहे और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करते रहे। इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेड इट क्लियर दैट इफ ही इज गोइंग टू प्ले वन लास्ट ईयर देन ही इज गोइंग टू कम्पीट फॉर एवरी ट्रॉफी एंड नॉट जस्ट टू से गुड बाय। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू NDTV Sports।